ऑनलाइन कैसे जाएंगे, वो जाना है कॉलेज, बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन बाद में जब इस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, मैंने वहाँ आई, टीचर से मिली, सबका ऐसा सपोर्टिव नेचर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हर एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो मैम के पास जाओ, मैम ने अच्छे से समझाना हर बात को, कोई भी बात हो ये नहीं लगता था कि मैम से ये बात कैसे करेंगे। अगर कॉलेज में होता है ना कि बच्चे अपने मन की बात टीचर के साथ अच्छे खुल के बात नहीं कर पाते, तो ये क्या परेशानी है। लेकिन यहाँ इस कॉलेज में ऐसा कभी नहीं करा, मैम के पास जाओ कोई भी प्रॉब्लम हो मैम सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझा दी, बैठा के अच्छे से समझाना कि बेटा इस तरीके से करना है, ये करना है, मतलब हर चीज बहुत अच्छे से समझाया। और उस टाइम ये पहला हमारे महिला हमारे ख्याल था, तो ये चीज हर चीज बहुत अच्छी थी। मतलब लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं कह रहा था, लेकिन जब कर रही है महिला हमारे ख्याल बोला तो वो लड़कियों की परेशानी खत्म हो गई। इस कॉलेज के बाद कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई आगे बंद कर दी जाती, लेकिन इस कॉलेज में फिर बंद नहीं किया, उन्हें पढ़ने का मौका मिला। ये महिला हमारे ख्याल था, इसलिए उनके परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़कियों को आगे पढ़ाया, उन्हें मौका मिला पढ़ने का। कई लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाई बंद करके घर बैठा थी, लेकिन वो इस कॉलेज के बाद पढ़ के आज कुछ ना कुछ कर रही है। तो मैं सर का आभार व्यक्त करूंगी इस महाविद्यालय को हमने खोला। मतलब आज ये कॉलेज, उस टाइम 2012 में क्या था, यहाँ का क्या रिसर्च था, लेकिन आज ये कॉलेज एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। तो बहुत